दोस्तों, रेट्रो शावेज में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज एक बुरी खबर, बॉलीवुड से आई एक और दुखद खबर। फराज खान, बॉलीवुड एक्टर फराज, अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो बहुत टाइम से बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल में एडमिट थे, आईसीयू में थे और वेंटिलेटर पर थे। पूजा भट्ट ने उनके गुजर जाने की खबर ट्वीट करके दी। उन्होंने कहा कि दिल भरा हुआ है और इसके साथ ही मैं आपको बहुत बुरी खबर दे रही हूं, फराज खान अब नहीं रहे। आप सभी ने जो मदद की उसके लिए शुक्रिया। आप मदद के लिए आगे आए जब फराज को परिवार वालों को मदद की बहुत ज़रूरत थी। फराज के परिवार वालों को दुआओं में याद रखें और जो जगह फराज ने दिल में खाली छोड़ दी है उसे कोई नहीं भर सकता। दोस्तों, पूजा भट्ट ही वो शख्स थी जो फराज के लिए, फराज के इलाज के लिए फंड्स इकट्ठा कर रही थी। ये खबर सुनकर सलमान खान भी आगे आए और उन्होंने फराज खान के मेडिकल बिल्स का भुगतान भी किया और उसके लिए काफ़ी पैसे दिए। फराज खान के परिवार के लिए अब हम दुआ ही कर सकते हैं। दोस्तों, आपने पुरानी फिल्मों में एक एक्टर को बहुत देखा होगा जो कि विलन के रोल करते थे, जैसे अमर अकबर एंथोनी और कई सारी मूवीज़। इनका नाम है यूसुफ खान। यही थे फराज के फादर। फराज खान अपने इस फादर की परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन अचानक फराज खान दुनिया से चल बसे। फराज खान को आखिरी बार टीवी सीरियल नीली आंखें में देखा गया था, जो 2008 में टेलीकास्ट हुआ था। फराज खान को कई हिट फिल्मों में भी देखा गया, जैसे 1996 में फिल्म फरेब, 1998 में फिल्म मेहंदी जिसमें वो रानी मुखर्जी के अपोजिट थे, और दुल्हन बनू मैं तेरी और गोविंदा जी की फिल्म दिल ने फिर याद किया। तो दोस्तों, यही इन्फॉर्मेशन आज आपको देनी थी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और किस्से के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।